जान गई, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित है। किसी का भी जान जाए ये तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहते हैं, और तृणमूल कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरा बीजेपी का आपस की लड़ाई है, एक पारिवारिक विवाद को लेके दो बीजेपी आदि और नब्बो, नया और पुराना, ये दोनों बीजेपी का लड़ाई में जान बूझ के यहाँ तृणमूल कांग्रेस की, यहाँ तृणमूल कांग्रेस है कहाँ? पिछले चुनाव का नतीजा देखिए, पिछले सब पूरा एरिया डोमिनेशन देखिए ना, किसका साथ है देखिए ना कैसा हो रहा है। तो ये तो इन लोगों का जगह है, अभी उन लोग समझ गया कि अगर निष्पक्ष रूप से आदमी जाके यहां मत दे तो वो मत उनका विपक्ष में जाएंगे, तो जानबूझ के ये रचना कर रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं, उसके लड़का को सुस्त होने दीजिए, उसका बाद हम लोग बात करेंगे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कम से कम इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, उसका पहले ही कोई बोल देंगे, जहाँ कोई है ही नहीं। आप देख रहे, बोलिए भाई, ये सब नतीजे आप तो देख रहे हैं कैसा कैसा किया। ये एक पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते है के बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो ये जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए, और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए।